दिल्ली के द्वारका में 17 साल की लड़की पर हुए एसिड अटैक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। कंगना रनौत को उनकी बहन रंगोली चंदेल पर हुए एसिड अटैक की याद आ गई है। कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर उस भयावह हादसे के बाद झेले गए संघर्ष और डर के बारे में बताया है। कंगना रनौत लिखती है, जब मैं टीनेजर थी मेरी बहन रंगोली चंदेल पर रोड साइड रोमियो ने एसिड अटैक किया था, जिसके बाद उनकी 52 सर्जरी हुई। वो अनगिनत मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरी। परिवार होने के नाते हम टूट गए थे। मुझे भी थेरेपी लेनी पड़ी थी क्योंकि मुझ में भी डर बैठ गया था कि मेरे पास से गुजरता शख्स कहीं मुझ पर एसिड ना फेंक दे। इसकी वजह से जब भी कोई कार या बाइक मेरे पास से गुजरती थी तो मैं पूरी तरह से अपना चेहरा कवर कर लेती थी। ये अत्याचार रुके नहीं है। सरकार को ऐसे जुर्म के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं गौतम गंभीर से सहमत हूँ, हमें एसिड अटैकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। वहीं कंगना की बहन रंगोली चंदेल की बात करें तो आज भी उनके जख्म भरे नहीं हैं, पर रंगोली इस फेज को हिम्मत के साथ पार कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हैं। रंगोली चंदेल शादीशुदा हैं और एक बच्चे की माँ हैं। जब उन पर एसिड अटैक हुआ तब रंगोली 21 साल की थी। रंगोली का आधा चेहरा जल गया था और उनकी एक आँख की रोशनी भी चली गई थी। ऐसे ना जाने देश में कितने एसिड अटैक पीड़ित हैं जो इस दर्द से गुजर चुके हैं। यकीनन एसिड अटैकर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। मंगलवार को दिल्ली में हुई घटना ने लोगों को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। दो मास्क पहने लड़कों ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की पर एसिड फेंका। खबरों के मुताबिक पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे अपनी फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं। आपको बता दें कि वो इस फिल्म की डायरेक्टर भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़।